हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू क्लास। आज हम बात करने वाले हैं जितनी माउंटेन रेंजेस हैं उनको हम सिर्फ 5 मिनट में कैसे याद कर लें। पूरे इंडिया के जितने माउंटेन रेंजेस हैं इंपॉर्टेंट, उनको आपको कैसे याद करना है। अगर आप इनको खुद से याद करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन अगर याद करेंगे आप, तो तब भी आप लोगों को ये याद होने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगी। और फिर अगर एक बार याद हो भी गया तो फिर क्या होता है कि हम इन्हें जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन अभी आप लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं आरओ यारओ की, तो मैं आप लोगों के साथ में दोबारा शेयर कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि आपको इन्हें कैसे याद करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रिक है, उसको आपको याद करना है। कहाँ से शुरू करेंगे वो आप लोग शुरू करने वाले हैं, यहाँ से, इस जगह से आप लोगों को शुरू करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा, ननकू एक अध्याय कल जा पी, कल जाके पी, ठीक है। एक अध्या, अध्या का मतलब ये सिंपली जैसे शराब पीने वाले जो लोग होते हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि एक तो होती है पूरी बॉटल, ठीक है, एक तो होती है पूरी बॉटल और एक होती है हाफ, ठीक है, हाफ। आई रियली हेट यू नो वाइन एंड सच स्टफ, बट द थिंग इज कि ये यहाँ पर फिट बैठ रहा था तो मैंने इसे यूज करने की कोशिश की है। तो आप लोग भी नशे से दूर रहें, लेकिन इसे आप फॉर्मूले के लिए यूज कर सकते हैं। सो हियर अन्नपूर्णा और धौलागिरी को मिला के आप लोगों ने अध्याय यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। तो ननकू एक अध्याय कल जा पी, मतलब कल जाके पी, एज सून एज पॉसिबल। अब ये इंग्लिश का आप लोगों को पता ही होगा कि एज सून एज पॉसिबल का मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल, ये आप लोगों को पता होगा, एज सून एज पॉसिबल। तो ASAP, अब ये कहाँ कहाँ पर है उसे अभी हम लोकेट करेंगे और आप लोगों को तुरंत ये याद हो जाएगा कि ननकू एक अध्याय कल जा के पी, और कल जा पी आप लोगों को इतना याद रखना है, एज सून एज पॉसिबल। और आगे चलना है आपको, ये नीचे वाली जो रेंजेस हैं, ये चार रेंजेस, ये कैसे याद रखेंगे, नल्ला जवान नीला अन्ना, आपको इस तरह से बोलना, नल्ला जवान नीला अन्ना। अब यहाँ की जो चार रेंज आप लोगों को ये दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, इन्हें कैसे याद रखेंगे, मी मी बॉमी, ठीक है। तो मी बॉमी, तो यहाँ पे आपको मी क्यूब भी याद रख सकते हैं आप, मी क्यूब ऐसे लिख के, और यहाँ पे ब आता है आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए कैसे आप लोगों को याद रखेंगे, कहाँ से आप लोगों को ये जो है, अब देखिए इस तरह से आप एक मैप भी ले लीजिए। अगर आप एक इंडिया का एक मैप ले लेते हैं और उसमें आपको सिंपली क्या करना है, मार्क करते हुए चलना है, 1 2 3 4 एंड देन 1, देखिए रेड वाले और कलर आप लोग यूज कर लेना यहाँ पे, देखिए 1 2 3 एंड 4 रेड कलर में किया है और जो बीच के हैं वो ब्लू कलर में है, 1 2 3 4, अब बाकी आप लोग किसी भी कलर में यूज कर सकते हैं जैसे ब्लू ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेड वाले जो है इनका ध्यान रखना है कि ये आप लोगों के रेड में आप लोगों को यूज करना है, इसे आपको ब्लू में ही यूज करना है। यहाँ पर जो रेंज है मैंने इसे रेड कर लिया है, लेकिन आप लोगों को इसे ब्लू में करना है। अब चलिए देखते हैं कैसे याद करना है। तो यहां से शुरू करना है आपको, इस पॉइंट से शुरू करेंगे आप लोग। तो पहला क्या है आपका, नामचा बरवा, दूसरा है आप लोगों का AP, यहां पर आएगा आप लोगों का AP, और तीसरा है आप लोगों का नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में ही है, और सबसे ऊपर आप लोग यहाँ पे चले जाएंगे, ये है आप लोगों का K2। तो आप लोगों को चार तो याद हो गएंगे, ननकू से याद हो जाएगा आपका। अब यहां से अगर हम इधर को चलते हैं तो यहाँ पे आएगा एक अध्याय, ठीक है। तो एक क्योंकि ये अपोजिट में है, ध्यान रखिए कि ये थोड़ा सा अपोजिट में है, एक लिखने के लिए क्योंकि हमें सेंटेंस बनाना था एक, तो उल्टा करेंगे तो एक कए हो जाएगा, तो लेकिन आप लोगों को इस तरह से याद रखना है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि बाएं से दाएं वाली रेंज कौन सी है, दाएं से बाएं रेंज कौन सी है, ऊपर से नीचे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस तरह से आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा तो आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इजिली कर लेंगे कि कौन से आप लोगों को पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण कौन सी है, तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के इस शॉर्टकट से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको बहुत सोच के बनाया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, तो यहाँ पे क्या था आपका कई, ठीक है, कई का मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का कि इधर आप लोगों का कंचनजंगा है, ये आप लोगों का क्या है, कंचनजंगा है, और ये क्या है आप लोगों का, एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट बहुत ही मीन्स नोन है, सभी को पता होता है एवरेस्ट के बारे में। तो ये आपका एवरेस्ट वाले पोर्शन में आपको थोड़ा सा उल्टा कर देना, मीन्स
रेंज अगर आप लोग इधर से देख रहे हैं तो कई हो जाएगा, मीन्स कंचनजंगा और एवरेस्ट। वैसे हमने सेंटेंस एक बनाया, एक अध्याय अ से आपका अन्नपूर्णा हो गया, ये हो गया आपका अन्नपूर्णा, और ध्यास से होगा आपका धौलागिरी। अब आ जाते हैं ये चार रेंज जो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही है। कल जा पी मतलब कल जाके पी, तो कल जा पी कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये तीनों चारों आपको याद हो जाएंगे। एक और चीज है कि जब आप इन्हें प्रॉपर मैप में देखेंगे, जो भी आप लोगों का मैप होगा आपके पास, एटलस वगैरह, तो एक बार अगर आप लोगों को ये याद हो गई है तो आप लोगों को कितनी चीजें याद हो जाएंगी। एक तो क्वेश्चन अगर आपका दाएं से बाएं, एक नेम तो आप लोगों को याद ही हो गया, नाम तो याद ही हो गया, फिर इनके जो प्लेसेस हैं वो भी आप लोगों को याद हो जाएंगे, सीक्वेंस आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है, सीक्वेंस आप लोगों को अच्छा याद हो जाएगा, और फिर आप लोगों को स्टेट अच्छे से याद हो जाएगी कि स्टेट कौन सी है। फिर जब आप लोगों को इतना याद हो जाएगा तो आप इनसे रिलेटेड जो ग्लेशियर्स हैं वो आप लोगों को इजीली याद रहेंगे बाद में, और अगर इनसे कोई नदियां वगैरह निकलती हैं इनके आसपास से तो आप लोगों को रिवर्स की लोकेशन अच्छी याद हो जाएगी। मींस अगर आप लोगों ये एक पेज आपको अच्छे से याद हो जाता है, जो मैंने आपको पूरे कोर्स में बताया है कि एक बार आपने अगर मैपिंग याद कर ली है, पूरा जो मैंने आपको जियोग्राफी बताई थी उसमें आपको वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप पूरा कोर्स में डाला था और बताया था कि आप लोगों को कैसे ट्रिक से इन सारी चीजों को कर लेना है, जिससे कि एक ही बार में आप लोगों को याद हो जाए और फिर आपका जो जियोग्राफी में इंटरेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इस चीज को डेवलप करने के लिए शुरुआत की जितनी वीडियोस थी वो मैंने इसी ट्रिक से आप लोगों के लिए बनाई थी। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आप लोगों कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल तक आप लोग पहुंच गए। अब आ जाते हैं एज सून एज पॉसिबल में, तो एज सून एज पॉसिबल ASAP इस तरह, या ASAP। अब अगर एज सून एज पॉसिबल को आप शॉर्ट में बोलेंगे इंग्लिश में तो बोला जाता है ASAP, ठीक है। तो ASAP जो होगा उसमें आ जाएगा आपका अरावली, देखिए अरावली है, ये है आप लोगों के सतपुड़ा, फिर है अजंता और फिर है पश्चिमी घाट जो कि आपका नीचे को आ जाता है, ये इधर को चला जाता है, ये इधर को, चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आपको सिर्फ नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। तो जब आपकी इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है RO ARO में तो बहुत अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। पूरी चीजें मैंने आप लोगों को कोर्स में ऑलरेडी दी है, और अगर आपको कहीं पर डाउट आ रहा है तो आप जरूर मुझसे शेयर कीजिए उस डाउट को, मैं उसको अपने तरीके से दूर करने की कोशिश करूंगा। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और पश्चिमी घाट, यहाँ पर आप लोगों की ये चार क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे भी आपके क्या है, चार है, कौन कौन सी है, नल्ला मलाई सबसे ऊपर वाला, नल्ला मलाई हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर को है एक्चुअली नल्ला मलाई, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जावड़ी, जावड़ी की पहाड़ियां यहाँ पर है, फिर है आपका नीलगिरी, और फिर लास्ट में है अन्ना मलाई, ये यहाँ पर है आप लोगों का, यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पे है इस तरफ को। चलिए कोई नहीं, अभी हम डिटेल में इसे जब समझेंगे तो आप लोगों की पोजिशन क्लियर हो जाएगी, अभी आपको नाम याद हो जाए और खाली ये लोकेशन पता हो जाए, कि ऐसा ना हो कि जब कोई आपको पूछे कि जो जावड़ी की पहाड़ियां हैं वो आप महाराष्ट्र में बता दें उस चीज को, या कंफ्यूजन रहे कि अच्छा ये कहीं इधर ना हो, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है बस अभी। अब आ जाते हैं इस वाले पोर्शन में, यहाँ पर क्या है आपका मिशमी, ये क्या है आपका मिशमी, दूसरी है मिकिर और फिर है आपका बराइल, और बराइल के बाद पहाड़ियां। तो होपफुली कि आप लोगों को ये सारी याद हो गई। आपको याद रखना है ननकू, एक अध्याय कल जाके पी, एज सून एज पॉसिबल, नल्ला, जवान, नीला, अन्ना, मी 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 ब मी, ठीक है, और मी 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 का जो है वो आपको मी क्यूब भी याद रख सकते हैं। तो अगर आप इसे थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, 10 मिनट भी एफर्ट डालेंगे, तो आपको ये लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, फॉर्मूला भी बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ननकू का मैंने आप लोगों को बता दिया कि ही इज वन ऑफ माई ब्रदर, तो उसका प्यार से नाम ननकू है, तो उससे ये मतलब नेम का कोरिलेशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोरिलेशन से आप लोग बहुत अच्छा सीख सकते हैं, अपने आसपास के नाम जो है उन्हें अगर कोरिलेट किसी तरीके से आपने कर लिया तो बहुत बेहतरीन आपकी लर्निंग हो जाती है। तो होपफुली कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, अगर कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।